आज तो इस व्यास पीठ पर बहुत समय के बाद सद्गुरु भगवान की वो वस्तुएं रखी हुई हैं, वो व्यास पीठ रखा हुआ है जिस पे वे स्वयं विराजमान होते हैं, शिविर करते हैं। इसी व्यास पीठ पर बापूजी बड़े सत्संग भवन में कांच की केबिन के अंदर बैठकर होली का शिविर, जन्माष्टमी का शिविर, दिसंबर का शिविर करते हैं। ये पावन व्यासपीठ जिस पर पूज्य बापू जी बैठकर घंटों सत्संग देते हैं, कीर्तन करते हैं, भक्तों को प्रसाद लुटाते हैं, प्रेम लुटाते हैं, सबको शांति आनंद देते हैं। जिनको जो चाहिए वो सब अपनी अपनी मनोकामना बापूजी के समक्ष रखते हैं और फलीभूत होता है वो सबकी मनोकामना। लाइन चलवाते हैं, प्रसाद बंटवाते हैं, व्यासपीठ पर सबसे मिलते हैं, उनकी कष्ट उनके दुखों को सुनते हैं और सबको सांत्वना देते हैं, उसका निवारण करते हैं, सबके आए जीवन की कठिनाइयों को, कष्टों को, दुखों को दूर करते हैं, सबकी बात सुनते हैं। वे करुणावत्सल गुरुदेव।